संविधान बचाने की भाषा बोलने वाले और जातिवाद जनगणना की मांग करने वाले हमारे नेता राहुल गांधी की जीभ पर तमाचा मारने वाली भाषा भाजपा के नेता कर रहे हैं। एक के बाद एक महागठबंधन के नेता हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी का संविधान बचाने का रुख और जाति आधारित जनगणना की मांग बीजेपी और उसके सहयोगियों पर राजनीतिक असर डाल रही है, इसलिए सांसद अनिल पोंडे और विधायक संजय गायकवाड़ अवसाद के कारण राहुल गांधी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 3 दिन पहले बेबुनियाद बयान देने वाले संजय गायकवाड़ की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से अनिल पोंडे की हिम्मत बढ़ गई है। लोकसभा के विपक्ष नेता के बारे में विधायक अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन देश प्रदेश का पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। गुंडागर्दी बोलने वाले महागठबंधन के नेताओं पर राज्य की पुलिस प्रशासन अब कार्रवाई करेगी, ऐसा सवाल महाराष्ट्र राज्य के विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने उपस्थित किया है। पंजाब का MLA राहुल जी को जान से मारने की धमकी देता है, यूपी का MLA एक्स मिनिस्टर राहुल जी को आतंकी कहते, महाराष्ट्र का शिंदे गुट का एक MLA राहुल जी की जीभ छाटने के लिए 11 लाख की घोषणा करते। ये पिछले दिनों में जो तमाशा बीजेपी वालों का और सत्ता में छूट लोगों का देख रहे, जनता साफ तौर पर देख रही है। राहुल गांधी से ये डरे हुए हैं, डर के मारे बीजेपी ऐसी बयानबाजी कर रही है। मैं बीजेपी के नेताओं को और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऐसे बयानबाजी करने वालों को, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देने वालों के साथ है। अगर साथ नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग जो करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे इनको गांधी का नाम का इतिहास का पता इनको नहीं है। इनके दादी ने देश के लिए शहादत दी थी, इनके पिताजी ने इसी मिट्टी में शहीद होकर खून की सिंचाई की। इनके परदादा ने 13 साल तक जेल में रहते हुए आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। यह इतिहास है। और आज कुर्सी में बैठकर, दिल्ली के गद्दी पर बैठकर बैठने वाले लोग ये जो गिदड़ धमकियां दे रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं, देश की आजादी में इनका कुछ भी हिस्सा नहीं था। देश आजाद हो रहा था तब ये अंग्रेज के गुलाम बनकर बैठे थे, आजादी के खिलाफ में बातें करते थे। आप सब कांग्रेसी राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी के बाल को हाथ लगाने की ताकत ये गिदड़ धमकी देने वाले अपने, इनके औकात नहीं है उनके बाल को हाथ लगाने की। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई पे विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं, और इससे बढ़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गांधी का इतिहास, गांधी को मिटाने की बात अगर करते तो खुद मिट जाएंगे। सरकार ने इनके ऊपर ऐसे बयानबाजी करने वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, इनको उनके उनको उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे, उनको अरेस्ट करे, तब लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।